गुड मॉर्निंग। आज थर्ड डे है, आप मुझे इसी गाउन में देख रहे हो। कपड़े बदलने का रत्ती मन नहीं कर रहा। कल गुरुद्वारे से आने के बाद इतनी गर्मी लगी, मैंने वापस से यही पहन लिया। ये इतना कूल है, इतना मस्त है ना, खुल्ला डुल्ला, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। इसलिए मैं इसी में दिख रही हूँ आपको 3 दिन से। आज बदलूँगी पक्का। तो गुड मॉर्निंग तो ढंग से करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम वाम तो शुरू जागते ही हो जाता है। तबीयत डाउन थी रात को, फिर वही वॉमिटिंग्स और लूज मोशन शुरू हो गए थे, बट अब काफ़ी बेटर है। सुबह उठते ही इन्होंने चाय पिला के और मुझे दवाई दे दी थी, क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ टैबलेट्स जो हैं वो मुझे हर वक्त रखनी पड़ती हैं अपने पास। तो नॉर्थलॉक्स पड़ी थी, इन्होंने दे दी थी मुझे। अब काफ़ी बेटर है तबीयत, और उसके बाद से मैं काम पे भी लग गई हूँ। देखिए कपड़े तय लगा दिए, वो प्रेस का ढेर, ये इतना बढ़ता जा रहा है। अभी तो टेबल के नीचे छुपा के रखा हुआ। ऑल्टर का ढेर, ऑल्टर कि कपड़े दे के आने हैं, बट अभी तक जो मैडम है उनसे बात ही नहीं हो पा रही है, वो शायद कहीं बाहर गई हुई है। और बस नाश्ता वाश्ता तो अभी कुछ करना नहीं है। दिया आज घूमने जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैंने उसे बोला है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ की एक आध क्लिप देना। आई थिंक नोएडा में कोई है अटलांटिक वाटर पार्क, तो वहाँ जा रहे हैं ये लोग घूमने। बहुत टाइम से इनका प्रोग्राम बन रहा था, पर टले जा रहा था। तो अब जैसे कि ये फ्री है थोड़े टाइम के लिए, जब तक नई जॉब नहीं मिलती तब तक बच्चा इंजॉय कर रहा है। घर बैठ के भी कितना ही क्या कर ले वो बेचारी। तो चलो, बच्चे बिजी रहते हैं अपने में। समवेद अभी सो रहा है, पापा जा चुके हैं अपने काम से, पर क्या ही बोलूँ यार, पापा के साथ तो बड़ी गलत हो रही है। पापा को रात को खाना नहीं खाना होता, क्योंकि वो रात को सैलड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, वो खाना कम खाते हैं। मैं उठने के बाद सारे घर का काम करती हूँ, दिन का खाना भी प्रिपेयर करती हूँ, रात का भी प्रिपेयर करके रखती हूँ, और उनको रात का ही नहीं खाना होता। उनको सुबह का चाहिए होता है कि मुझे सुबह का खाना दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो और लंच दे दो, वही मैं उनको नहीं दे पाती हूँ। पता नहीं कब ये रूटीन ठीक होगा, कब मैं उनको प्रॉपरली लंच बना कर दे पाऊँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बच्चों के फाउंडेशन होती थी कि नहीं, बच्चों के लिए तो उठना ही है, वो बच्चे थोड़े बाहर से खा सकते हैं। और जेंट्स का ये होता है कि भाई ये तो बाहर जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा लेंगे, चलो चलता है। वो उस चक्कर में बस रह ही जाता है उनका। और ठीक है, कभी उठ जाती हूँ और प्रिपेयर होता है खाना रात का, तो वो तो मैं दे देती हूँ, पर स्पेशली सुबह उठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी बात को लेके हमारी कई बार हो जाती है। उनको मेनली सुबह का नाश्ता और लंच चाहिए, और मैं वही नहीं दे पाती। क्या कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि टाइम से उठ जाऊँ, पर उठने के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही कर पाती हूँ। पर जब कर पाती हूँ तो मैं प्रॉपरली उनको दे देती हूँ। अगर मैं बोलती रहूँगी ना कुछ बोलती ही रहूँगी। चलो मैं थोड़ा बहुत काम देखती हूँ। कपड़े रात को धोए थे मैंने, जो सूख गए, कड़ाके की धूप निकली हुई थी। अभी सुबह सुबह उठी हुई हूँ, कपड़े आवाज़ें मार रहे थे, आ जाओ ले लो, तो मैंने अंदर करके तय लगा दिए सारे, समेट भी दिए। अब बस आज किसी भी हालत में मुझे प्रेस लगानी ही लगानी है, चाहे मैं अभी बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना कोई काम किए प्रेस लगाऊँ। काम शुरू, गीले कर दिए कपड़े, प्रेस शुरू हो चुकी है। एक ही कुर्ता प्रेस कर पाई हूँ, क्योंकि दिया जा रही थी तैयार व्यार होने में। तो आपको पता ही है लड़कियों को कितने ड्रामे होते हैं, ये ड्रेस कैसी लग रही है, वो ड्रेस कैसी लग रही है, ये पहनूं या वो पहनूं, 10 तो ड्रेसेस चेंज करके दिखा देते हैं। फिर उसके बाद सैंडल कहाँ है, सैंडल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या पहनूंगी, कैसे जाऊंगी। अब उसको रवाना किया है तैयार करके, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सारा कुछ बताना पड़ता है। तो अब वो गई है, अब शाम को आएगी। अब मैं फ्री हूँ, क्योंकि समय जब तक नहीं उठता तब तक मेरा कोई काम नहीं है। तो अब मैं बस लगी हूँ प्रेस करने। अब मैं ये सब निपटाऊंगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी और नहाऊंगी। चलिए आती हूँ फिर से। मैं या सैमी तो उठ नहीं रहा, मैं नहा धो के आ गई थी। मैंने बना लिया अपना नाश्ता, ये है रात को जो दाल बनाई थी उसका आटा गूंधवा लिया था मैंने सुबह दिया से,
और साथ में आम का अचार। मदर्स का आम का अचार जो है बेस्ट होता है, अदरवाइज नानी के हाथ का बेस्ट होता है। मैंगो हमेशा की तरह। काम शुरू, समय डूब चुका है तो सर को भूख नहीं थी, अभी दूध पियेंगे, 5 बज रहे हैं। दूध ख़त्म था, ब्लिंकेट किया, दूध मंगवाया है और मैं शुरू कर रही हूँ कढ़ी, क्योंकि ये मेरा दही था जो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया है क्योंकि यूज़ नहीं हुआ इस हफ्ते में। लस्सी वगैरह के लिए मैं मंगा लेती हूँ समृद्ध के लिए। ये पकौड़े सिंपल पकौड़े बना रही हूँ, पहले तो सोच रही थी कि खाली बेसन के बनाऊँ, बट थोड़ा सा प्याज और धनिया डाला है, बाकी नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ये सब डाला है। मैंने आपको पकौड़े का बैटर मैं बना रही हूँ, पकौड़े बना के और उसी कढ़ाई के अंदर फिर मैं कढ़ी को छौंकूंगी, और छौंक भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत तामझाम वाली चीज़ नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बताती हूँ। अभी बस बन गई है कढ़ी, ये 2-4 पकोड़े मैंने खाने के लिए रख लिए क्योंकि मेरी कढ़ी में ज़्यादा पकोड़े पसंद नहीं किए जाते, समृद्ध नहीं खाता, उसको कढ़ी कढ़ी चाहिए होती है, तो इतने सारे पकोड़े मैं अकेली थोड़ी खा सकती हूँ। देखिए गाढ़ापन, देखिए बस इसमें कसूरी मेथी डालते हैं। मस्त बनी है। अब लगी है सामने को भूख, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं दाल वाले आटे की पराठी। ये जगह है, इस पर बनानी है। ये कहाँ आटे का डब्बा रखूँगी, कहाँ सूखा आटा रखूँगी और कहाँ बेलूँगी, करती हूँ। हाँ जी भैया, ये कौन से टाइम का खाना हो रहा है, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर? इट्स 6 o'clock, 6:12। ये देखिए 6:15 बज रहे हैं और ये भाई साहब का फर्स्ट मील जा रहा है, वेरी गुड। जब भी यहाँ से निकलती हूँ ध्यान आता है, फ़ोटोज़ के लिए हार लाई थी, अभी तक लगवा ही नहीं पाई, इनको टाइम ही नहीं मिला। धूप बत्ती मैंने कर दी है, जोत जला दी है, घर में कोई भी नहीं है, समृद्ध भी चला गया, खाली कमरे ये भी नहीं आए अभी तक, 7:30 हो गए हैं, दिया भी नहीं आई है अभी तक, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, ये कोको भी निढाल सा पड़ा हुआ है, अभी दूध पी के हटा है, और मैं बस इधर उधर घूम रही हूँ, कभी यहाँ से कपड़े उठाती हूँ वहाँ रख देती हूँ, वहाँ से उठाती हूँ यहाँ रख देती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि खाना भी मैंने आज जल्दी बना लिया क्योंकि कढ़ी जल्दी बन जाती है ना। अब और क्या बात करूँ मैं आपसे, मेरा टाइम ही नहीं पास हो रहा, पता नहीं कब आएंगे सारे। चलिए मैं एक बार दिया को कॉल करती हूँ। रात के बज गए हैं 9:15, 9:14 और मैं अभी भी अकेली बैठी हूँ। दिया वहाँ से निकल चुकी है और समृद्ध अभी तक आया नहीं है खेल के, ये भी एक ही बार दिया को लेके आएंगे, नहीं तो फिर आ जाएंगे, फिर उसके बाद इनको फिर जाना पड़ेगा दिया को मेट्रो स्टेशन लेने के लिए। खूब इंजॉय किया उस लड़की ने और एक भी फ़ोन नहीं किया, परेशान कर दिया। मैं 7:30 बजे से जो उसको फ़ोन कर रही हूँ, वो अपना लॉकर में रख के वाटर पार्क में बैठी हुई है, अब निकल चुकी है वहाँ से खा पी के, तो अब देखो कितनी देर में सब आते हैं। मेरे से ना अकेले नहीं बैठा जाता, मैं अब इस ब्लॉगिंग के रूटीन में आ गई हूँ, अब मैं कितना ब्लॉग कर लूँ, कितनी रील्स बना लूँ, टाइम पास नहीं होता ना इन चीज़ों से। फैमिली तो फैमिली होती है ना, 4 लोग हैं टोटल घर में, और ये भी जो डॉगी है, अब इससे भी मैं कितना ही खेल लूँ, मेरे से वो खींचातानी वाले खेल होते नहीं हैं जो ये या समृद्ध खेलता है इनके साथ, इसके साथ काम कौन से निकालूं, मुझे समझ नहीं आता। कपड़े कितने सारे प्रेस कर चुकी हूँ सुबह से, वो देखिए ये 2 ढेर लगा रखे हैं मैंने कपड़ों के,
कपड़े कितने प्रेस कर चुकी हूँ, अभी अपने मैं सारे संभाल चुकी हूँ, इनके और अपने मैंने अलमारी में रख दिए हुए हैं। ये दिया के और समृद्ध के कपड़े हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी नीचे और पड़े हुए हैं यहाँ पे। थक जाती हूँ काम करते करते, पर ये भी है कि अगर कोई घर में भी होता है तो क्या ही बात करते हैं, सब तो फोन में लगे रहते हैं आजकल। पर चलो, हम लोग तो घूम फिर नहीं पाए थे अपने टाइम में, कम से कम आज बच्चों को तो मौका मिल रहा है घूमने फिरने का, खेलने कूदने का, और यही एक जरिया है। अदरवाइज तो बच्चे घर में बैठे होते तो फोन में ही लगे होते हैं, तो इसी बहाने बच्चों ने बाहर जाके कुछ एक्टिविटी की, कुछ काम किया, कुछ अपनी बॉडी को हिलाया, वो बड़ी बात है। अब मेरा तो खाना वाना बना पड़ा है, जब आएंगे तब खाएंगे। तो विदा लेती हूँ आज के लिए तो मैं आपसे, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल फिर एक नया दिन है, फिर नई दिनचर्या होगी। लो फिर, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। एक मिनट, हाँ मुझे एक बात करनी थी। मैंने अभी नोटिस किया है 100 सब्सक्राइबर होने के बाद, 110 तो आराम से हो गए थे, उसके बाद 112 के बाद ये हो रहा है कि कोई सब्सक्राइब करता है एक दिन, अगले दिन वो अनसब्सक्राइब कर देता है, फिर एक कोई बढ़ता है सब्सक्राइबर, फिर अगले दिन फिर एक कोई सब्सक्राइब करता है, फिर अनसब्सक्राइब करता है। तो यार अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक बार आपको क्या कमी लगे, आप अनसब्सक्राइब कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कि व्लॉग में आपको क्या कमी लग रही है, बोरियत आ रही है, घर का रूटीन आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा। देखिए जो चीज़ रूटीन की है वही मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें तो मैं कोई चेंज कर नहीं सकती, और मैं वो टीनेजर बच्चों में से तो हूँ नहीं कि जो फूड ब्लॉगिंग करेंगे, जगह जगह घुमाने लेके जाएंगे, अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे। यही चीज़ें हैं जो लाइफ की चलती हैं, तो वही चीज़ें डेली ब्लॉगिंग में आती हैं। तो मेरा डेली रूटीन मैं शो कर रही हूँ, जो भी है अपने दिल की बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेजरली क्या होता है ना आज की डेट में, हम लोगों की फैमिलीज़ में लोग इतने दूर हो चुके हैं ना अपने अपने काम के चक्कर में, कोई बात नहीं हो पाती किसी से, कुछ नहीं हो पाता, तो ये एक बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने की, एटलीस्ट अपने दिल की बात करने की, तो डिप्रेशन नहीं होता किसी को। तो अगर आप किसी एक इंसान को हेल्प कर रहे हैं डिप्रेशन में ना जाने के लिए, तो कर देना चाहिए। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप वीडियोस मत देखिए, बट कमी तो बताइए कि क्या है, नहीं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, मत देखिए वीडियोस। जब आपको कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक से, या किसी फोटोग्राफ जो थंबनेल होता है उससे, तो तब कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी रिकमेंड कीजिए, इसके ज़रिए आप किसी एक इंसान को उसको बिज़ी रखने के लिए मोटिवेशन देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।